सामता प्रसाद। वर्तमान संगीत सम्मेलनों में जितनी मांग पंडित सामता प्रसाद की रही उतनी किसी तबला वादक की नहीं रही। कारण यह है कि आप जिस व्यक्ति के साथ संगति करने बैठते थे उसका कार्यक्रम जमा देते थे। तैयारी में तो आपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लिया था। आप देवी के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक कार्यक्रम के पूर्व सफल प्रदर्शन के लिए देवी से प्रार्थना करते थे। इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद आप में तनिक भी अभिमान और कला के प्रति संतोष नहीं था। आप हमेशा कहते रहते थे, जो कुछ मेरे पास है वह सब देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। आप नित्य प्रति अभ्यास करते थे और जिस दिन किसी कारणवश अभ्यास करने में बाधा पहुंचती थी तो आपका मन मचल उठता था। किसी कार्यक्रम में रंगमंच पर आने के पूर्व अपने को अनेक प्रकार से सुसज्जित करते थे। आप पान और इत्र के बड़े प्रेमी थे। आपका जन्म सन 1920 में पावन नगरी काशी में हुआ। आपके पिता बाजा मिश्र एक कुशल तबला वादक थे। आपके वंश में तबला कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपके पिता की मृत्यु आपकी बाल्यावस्था में ही हो गई थी, अतः पिता से केवल प्रारंभिक शिक्षा ही मिली। उसके बाद आपने पंडित बलदेव सहाय के शिष्य पंडित बिक्कू जी मिश्र से तबला वादन सीखा। आप प्रारंभ से ही बड़े परिश्रमी थे, इसलिए शीघ्र ही एक कुशल तबला वादक हो गए। आप गायन, वादन और नृत्य तीनों की संगति करने में बड़े कुशल थे। भारत सरकार ने आपको 1972 में पद्मश्री से विभूषित किया। आपने तबला वादन से विदेशों में भी भारत का मस्तक ऊंचा किया है। कई फिल्मों में तबला वादन से आपकी लोकप्रियता बढ़ी। तालमारतंड, ताल शिरोमणि, तबला सम्राट, तबले के जादूगर आदि उपाधियों से आपको विभूषित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रपति पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। आपका ज्यादा समय कार्यक्रम देने में व्यतीत होता था। इसी क्रम में पूना के कार्यक्रम में अस्वस्थ हो गए और 31 मई 1994 को महाप्रयाण कर गए।